गाइस मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक अखिलेश। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो का V23e फोन में, जो कि आप अगर अपने फोन में कोई भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं गाइस, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग सेफ कहां पर होती है, तो अगर आपको नहीं पता मैं ऐसे गाइस बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे गाइस, अपने फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं गाइस कॉल रिकॉर्डिंग सेफ कहां पर होती है, आप उस फाइल को उस फोल्डर को गाइस कैसे चेक करेंगे। अगर आपको सुनना होता है कॉल रिकॉर्डिंग तो गाइस अपने फोन में गाइस नहीं पाते हो, नहीं सुन पाते हो, तो मैं यहां से आपको बिल्कुल बताएंगे गाइस आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग गाइस सेफ कहां पर होते हैं, कैसे आप उसको सुन सकते हैं, कैसे आप उसको शेयर कर सकते हैं, कैसे जो भी आपको करना वहां पे गाइस सिंपली कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए मैं यहां पे पहले अपने फोन में फाइल मैनेजर गाइस ओपन करेंगे। हमने गाइस यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन किया, यहाँ पे गाइस हमारा मेन स्ट्रॉन्ग यानी कि जो फोन का स्ट्रॉन्ग है मैं इसको देखिए ओपन करते हैं। ठीक है, इसको ओपन किया, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ गाइस हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे गाइस इनपटी फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे गाइस हम अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं बट गाइस जो हमारे यहाँ पे फाइल मैनेजर में गाइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है यहाँ पर गाइस कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको सुनना चाहेंगे गाइस अगर तो आप सुनना चाहते हो तो गाइस सुन नहीं पाते हो, या फिर गाइस अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग कहीं पे भेजना होता है तो आप उसको गाइस भेज नहीं यानी कि शेयर नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको जो यहाँ पे फाइल मैनेजर यहाँ पे गाइस आपको पता ही नहीं है कॉल रिकॉर्डिंग सेव कहाँ पर होती है, तो यहाँ पे जो कॉल रिकॉर्डिंग आप करते हैं गाइस कॉल रिकॉर्डिंग सेव कहाँ पर होती है हम आपको बताते हैं। यहाँ गाइस आपको ऑल बैक आना है, ऑल बैक आएंगे गाइस आपको ओपन क्या करना अपने फोन में डायलर गाइस ओपन करना जहां से गाइस आप कॉल करते हैं, डायलर गाइस ओपन करेंगे डायलर को, और यहां पे गाइस आपके फोन में सभी नंबर खुल के ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आप जिस नंबर की गाइस कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं उस नंबर पे गाइस आपको सिंगल क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखिए 50 मिनट पहले हम यहाँ पे गाइस कॉल रिकॉर्डिंग किया और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग हम सिर्फ 4 सेकंड की किए हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइस उसको हम प्ले करके गाइस इस कॉल रिकॉर्डिंग को हम सुन भी सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहीं से गाइस आप शेयर भी कर सकते हैं कहीं अगर आपको शेयर करना है, और यहाँ पर देखिए गाइस आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहीं से सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फोन में जो कि अगर आपको नहीं पता है कि कॉल रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं गाइस सेव कहां पर होती है तो आप ऐसे बिल्कुल चेक कर सकते हो, और चेक करने के अलावा गाइस आप यहां पे कहीं शेयर भी कर सकते हो और आप इसको सुन भी सकते हो और यहां पे सिंपली आप डिलीट भी कर सकते हो। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।